देहरादून से सुरकंडा माता मंदिर की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 63 किलोमीटर, और अभी बज रहा है 9:25 हो रहा है। तो अभी देखते हैं माता मंदिर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और मुझे पता है वहां आज बहुत भीड़ होने वाली है क्योंकि आज पहला ही दिन है नवरात्रि का, तो मे भी बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। ये उठाल गेट का मंदिर है। जय महादेव। बाकी यहाँ से अगर लेफ्ट लेते हैं तो भाई ये रास्ता जाता है उत्तरकाशी चिनली साइड, और ये रास्ता स्ट्रेट जा रहा है, ये जा रहा है सुरकंडा माता के लिए। यहाँ से आप टिहरी चंबा निकलते हैं डायरेक्ट। तो भाई अभी पहुंच गए हैं धनौल्टी, और ये है यहाँ का इको पार्क। भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, पूरे देवदार देवदार के पेड़ हैं दोनों तरफ, जैसे मैंने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया था। आप गाड़ियों की लाइन देखो, पीछे से स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे पार्किंग ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ माता रानी का भवन, यहाँ पे जाना है भाई। तो यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी माता रानी की यात्रा। जय माता रानी, जय माता रानी। धीरे धीरे मौसम खुलता हुआ, सूर्य देव का दर्शन दे रहे, ऊपर जाते जाते मौसम खुल जाए। माता रानी के ढोल की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, और आसपास में जितने भी गांव हैं वहाँ से भी ढोल की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है क्योंकि आज पहला दिन है। देखिए भाई, आप भीड़ देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला था बहुत भयंकर भीड़ होगी। और ये माता रानी का दरबार सस्ता हुआ, पहला दिन है, बहुत अच्छे तरीके से सजेगा। बीच में धूप आ चुकी है और लोगों की भीड़ देखो आप।
तो ये था भाई आज नवरात्रि का पहला दिन और सुरकंडा में आपने भीड़ देखी ली है। बाकी मौसम भी ऐसा एकदम चेंज हो रहा था, तो अभी टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का।